तो देखिए दोस्तों, चरण पादुका कांड क्या था आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुनिए सिर्फ इसको क्या बोल रहा हूं मैं। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था तो 1930 में पूरे देश में सभा पर था, पूरे देश में, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1900 में अपने पूरे सभा पर था, जिसका खास असर बुंदेलखंड पर देखने को भी मिला, जिसका खास असर बुंदेलखंड को पर भी देखने को मिला। यहां भी विदेशी चीजों का बहिष्कार और देसी सामानों को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर आसपास के गांव के लोग नरम दल के नेताओं के साथ साथ लगातार बैठक कर रहे थे। 1930 में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में, चरण पादुका नामक कस्बे में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 7000 लोग शामिल थे। इस जनसभा में आंदोलनकारी नेताओं ने अपने भाषण में विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने, भुगतान लगान भुगतान ना करने की अपील की थी जनताओं से, और सभा में मौजूद लोगों ने एकजुट होकर ऐलान किया था कि हम लगान अदा नहीं करेंगे, हम लगान नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में फिर वो काला दिन था दोस्तों, 14 जनवरी 1931 का वो काला दिन था, जबकि मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा की सभा को सेना ने घेर लिया, जो ब्रिटिश सेना थी उसने घेर लिया कि बोले इन लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना। तो सेना ने घेर लिया ब्रिटिश सरकार की, मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर लिया। आम सभा में उपस्थित जन सामान्य आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी कर्नल फीसर के आदेश द्वारा, अंग्रेजी कर्नल नाम याद रखना है, अंग्रेजी कर्नल, कर्नल क्या नाम था उसका, ये फीसर, अंग्रेजी कर्नल फीसर के आदेश द्वारा बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों से गोलियों की बौछार की गई दोस्तों सभा के ऊपर, बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों से गोलियों की बौछार की गई। इस गोली चलन में 21 लोगों की मृत्यु हुई और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी कारण चरण पादुका हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वैसे ही यहां पे हुआ था, इसीलिए चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ये बताऊंगा कि ये इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या बता दिया मैंने बोल के साहब, चरण पादुका कांड 14 जनवरी 1931 को हुआ था चरण पादुका ग्राम में उर्मिला नदी के तट पर छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फीसर ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चला दी थी। क्वेश्चन आता है चरण पादुका कांड में ब्रिटिश ने जो गोली चलाई थी वो किसने आदेश दिया था, तो कर्नल फीसर नाम याद रखना है इसका, कर्नल फीसर ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चला दी थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन जो ब्रिटिश रिकॉर्ड था, सरकार का जो रिकॉर्ड था उसमें 6 लोगों का ही बताया गया था, पेपर में छप के 6 लोग आया था क्योंकि भारत में दंगे फसाद और ना बढ़े, है ना, इसलिए तो 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे जिसमें से जिसके नाम थे सेठ सुंदरलाल, धर्मदास। तो चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास, खिरवा, चिरकू और हल्के कुर्मी और रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे दोस्तों। तो ये 6 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, यहां पे इनको याद रखना है अपने को, सेठ सुंदरलाल, धर्मदास, खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। तो ये समझ में आ गया चरण पादुका कांड मैंने बता दिया बोल के, है ना, इसको चरण पादुका नरसंहार भी कहा जाता है दोस्तों। तो जलियांवाला बाग, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूं एक बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था दोस्तों। बैसाखी का जो त्योहार होता है, बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। जो रोलेक्ट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आक्रामक
उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, है ना। तो जो रोलेट एक्ट है जिसे काला कानून कहा जाता था, उसके विरोध में वहां पे सभा का आयोजन किया गया था, उसके विरोध में। तो पूरी सभा बैठी हुई थी और वहीं पे जनरल डायर आया और आने के बाद गोलियों की बौछार कर दिया था दोस्तों, जिसमें से 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, 2000 से अधिक घायल हुए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने शहीदों की संख्या 484 तक के बताई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 388 शहीद की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना को 200 लोग ही घायल हुए बताते हैं। सब अलग अलग डाटा बता रहे थे क्योंकि उससे और देश में दंगे फसाद ना हो, कहीं ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वो होता था। तो एक रोलेट एक्ट था दोस्तों, जिसको काला कानून कहा जाता था, एक काला कानून जो बिना अपील का कानून कहा जाता था। बिना अपील यानी जिसको भी ब्रिटिश सरकार को जिसके ऊपर भी शक रहता था उसको डायरेक्ट वो गिरफ्तार कर सकते थे बिना सुनवाई के, उसे ही रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। तो उसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के किनारे, बस इतना याद रख सकते हैं आप। बात करेंगे अगला हम पंजाब मेल हत्याकांड।